Please subscribe and share SWA News। दोस्तों मैं विनय दुबे मुंबई से। शिवसेना के विधायकों का हिंदुत्व जाग गया, अचानक से उन्हें शिवसेना बुरी लगने लगी। उद्धव ठाकरे जी जो खुद बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, उनके अंदर इन्हें खोट नजर आने लगी। शिवसेना के 40 से 45 विधायकों के अंदर का हिंदुत्व जाग गया। इतना हिंदुत्व जाग गया कि एक अब्दुल सत्तार नाम के जो विधायक हैं उनका भी हिंदुत्व जाग गया। वो भी पहले दौड़ते दौड़ते सड़क मार्ग से सूरत पहुंचे, उसके बाद घसीटते हुए उन्हें गुवाहाटी पहुंचाया गया। इन सबका नेतृत्व वो कर रहा था जो किसी समय में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे शिवसेना की तरफ से, एकनाथ शिंदे। ये वो नाम है जिसको खुद उद्धव ठाकरे जी ने आगे किया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर। इतना विश्वास उद्धव ठाकरे जी एकनाथ शिंदे पर करते थे। लेकिन एकनाथ शिंदे जी का आज जो बगावत हुआ है, जो बागी तेवर उन्होंने अपनाया है, उनके अंदर का जो हिंदुत्व जाग गया है वो ऐसे ही नहीं जागा है। उसके पीछे एक कारण है जो कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा है। अगले 2 से 3 मिनटों में आप जानेंगे कि अचानक से इन विधायकों का हिंदुत्व कैसे जागा है और उसके पीछे कारण क्या है। आज उद्धव ठाकरे को गालियां क्यों दी जा रही हैं इनकी तरफ से, और क्यों महाराष्ट्र में सरकार गिराने की नौबत आई है। बहुत छोटे में शुरू करना चाहूंगा। 2019 से पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार थी, उस समय जो विधायक जो मंत्री रहे हैं उन्होंने अपार संपत्तियां बनाई, जनता को लूट लूट कर जिस तरह से भी उनको मौका मिला उन्होंने लूटा, और अपार संपत्तियां अपने आने वाली 4 से 7 पीढ़ियों 10 पीढ़ियों के लिए उन्होंने तैयार करके छोड़ दिया। 2019 में एक अप्राकृतिक गठबंधन बनाया गया जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अपोजिट विचारधारा की पार्टियां थी, उन्होंने एक साथ आकर भाजपा को रोकने के लिए सरकार बनाई। यहीं से असली मुसीबत शुरू होती है। जब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो लड़ाई जीत नहीं सकते, तो आप जानते हैं वो जो सरकारी यंत्रणाएं हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, चाहे अन्य विभाग हो, उसका वो इस्तेमाल भरपूर तरीके से करती है ताकि विधायकों को परेशान करके अपनी तरफ लाया जाए। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के करीबन 90% विधायक और सांसद जो हैं वो दूसरे पार्टियों से, क्योंकि ये विधायक और सांसदों ने जब अपने मंत्री रहते, विधायक रहते, सांसद रहते अकूत संपत्तियां हाजिर की, चोरी की, उस चोरी का हिसाब जब सरकारी यंत्रणाएं लेने लगी, ईडी लेने लगी, इनकम टैक्स लेने लगी, तो इस फाइल को दबाने के लिए केवल एक रास्ता होता था कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। आज जो शिवसेना के बागी विधायक निकले हैं उसके पीछे भी यही एकमात्र कारण है। उसका सबूत आप देखने जा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। एकनाथ शिंदे जी नंबर 2 थे शिवसेना में। सारे जितने विधायक मंत्री रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनसे कांटेक्ट में रहे हैं। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी लॉबी को टारगेट किया। नीचे से सबसे हल्के वाले विधायक से इन्होंने शुरू किया ईडी की इंक्वायरी, इनकम टैक्स के रेड, और धीरे धीरे ये इल्लीगल पैसे की कमी, इस इल्लीगल पैसे की जो जमा पूर्ति थी या एक तरह से भ्रष्टाचार था, अकूत संपत्तियां बनाने का जो सिलसिला था, उसकी जो आग थी वो धीरे धीरे एकनाथ शिंदे तक पहुंचने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉस तक ये आग नीचे से पहुंचनी थी। उसी का एक उदाहरण है प्रताप सरनाईक, थाने से विधायक। उन्होंने बाकायदा पत्र देकर, आपके जो ये स्क्रीन पे आप जो लेटर देख रहे हैं ये विधायक प्रताप सरनाईक का लेटर है जो मराठी में है। इस पत्र में उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है उद्धव जी ठाकरे को, उन्होंने 9 जून 2021 को ये पत्र लिखा जिसमें उन्होंने क्लियर लिखा है कि कृपया करके आप ये जो गठबंधन है कांग्रेस राष्ट्रवादी का उसे तोड़िए और भारतीय जनता पार्टी के साथ आप वापस चले जाइए। उसका कारण ये था कि आपके स्क्रीन पे जो एक ये जो एबीपी न्यूज़ का आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि ईडी की लगातार छापेमारी इनके और इनके बच्चे विहंग के ऊपर हो रही थी। 150 करोड़ के आसपास का जो रिकॉर्ड एबीपी न्यूज़ के माध्यम से पता चला है कि 150 करोड़ के आसपास का अवैध मनी लॉन्ड्रिंग आप कह सकते हैं, जो पैसा जमा किया गया है, जो रिकॉर्ड पे मिला है, उसके लिए इंक्वायरी इनके ऊपर हो रही थी, जिससे ये परेशान होकर उद्धव जी को मैसेज, उन्होंने पत्र लिखा कि आप इस गठबंधन को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाइए। यही दूसरे एक विधायक जो आज गुवाहाटी में बैठे हैं, यामिनी जाधव करके, जो यशवंत जाधव की पत्नी हैं, ये कभी महापौर और बीएमसी के बड़े नेता हुआ करते थे,
यामिनी जाधव भी आज एकनाथ गुट में है, क्योंकि इनके ऊपर भी इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इनको इतना दबाव बनाया गया, ये भाग के जितने भी विधायकों के ऊपर रेड पड़ी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, ईडी की रेड पड़ी है, तुरंत भाग के जाते उद्धव ठाकरे के पास। उद्धव ठाकरे जी कहते कि नहीं, ये गलत है, जनता के पैसे का आपने लूटा है, तो उसका हिसाब आप अब जनता को ही दीजिए, इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये इस तरह का जो एक डिसीजन था उद्धव ठाकरे का, यहीं से विधायकों की नाराजगी शुरू होती है। ईडी और इनकम टैक्स की आंच धीरे धीरे एकनाथ शिंदे तक चली गई। नेशनल हराल्ड की ये जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, इसमें इन्होंने बाकायदा विश्लेषण किया है कि ईडी और इनकम टैक्स की डर की वजह से एकनाथ शिंदे को मजबूर होना पड़ा इन विधायकों को लेकर सूरत और उसके बाद गुवाहाटी भागने के लिए। इनके अंदर का कोई हिंदुत्व या फिर ऐसी कोई प्रतिष्ठा या निष्ठा नहीं जागी है, ये अपने कमाए हुए उन अवैध काले पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जेल से जाने से बचना चाहते हैं। उसका ही एक बड़ा कारण ये रहा है कि इन नेताओं को भागना पड़ा महाराष्ट्र छोड़कर। ये वो नेता हैं जो कहते थे कि हम जहां खड़े होते हैं सरकार वहीं से अड़ेगी। ये नेताओं को हमने सूरत भागते हुए देखा, गुजरात पुलिस इनको घसीटते हुए जहाज़ों में डालते हमने देखा, गुवाहाटी में एक छोटे से होटल में बैठ के दुबके हुए हमने देखा। ये वही नेता विधायक सांसद हैं जो आज बगावत कर रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण है कि अगर वो बगावत ना करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय यंत्रणाएं हैं वो इनको तबाह कर देगी, इनके जितने कमाए हुए अवैध काले पैसे उसे जब्त कर लेगी, इन्हें जेल में डाल देगी। तो कौन जेल में जाना चाहता है? उद्धव जी की गलती केवल इतनी थी कि इनके जो काले कारनामे थे, इनके जो भ्रष्टाचार थे, उसमें उन्होंने इनका साथ नहीं दिया। तो ये हकीकत कोई भी न्यूज़ चैनल क्यों नहीं दिखा रहा है? मेरा आपसे इतना ही एक अनुरोध है, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने, चाहे एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री बने, चाहे केंद्रीय मंत्री बने, 3 जुलाई तक भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि महाराष्ट्र में सरकार स्थापित हो। एकनाथ शिंदे जी को 2 सीटें केंद्रीय मंत्रालय में देने का ऑफर किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, 10 के आसपास राज्य मंत्री महाराष्ट्र में दे रहे हैं, 5 से 6 या 8 कैबिनेट मिनिस्ट्री महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने इनको ऑफर किया है। तो मैं ये जानता हूँ कि लालच सबसे बड़ी है, काले पैसे, जनता के पैसे से जो इस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसे बचने के लिए वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाएंगे और वहाँ से सारी चीज़ें क्लीन चीट होते हुए अपने आप सरकार में सफ़ेद कॉलर वाइट कॉलर बनकर मंत्री बनकर बैठेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीच में उस जनता को ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों को आप फिर से मतदान करेंगे जिन्होंने करोड़ों रुपए आपके टैक्स के पैसे से चोरी किए, जिनके ऊपर ईडी और इनकम टैक्स की रेड चल रही है। बस ये भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं इनको पूरा क्लीन चिट मिल जाएगा। ये ठीक वैसे ही था जैसे 2019 की वो सुबह, वो भोर जब अजीत दादा पवार साहब और देवेंद्र फडणवीस जी शपथ ग्रहण कर लेते हैं, उसके 2 दिन के बाद ही 70,000 करोड़ के घोटाले की जो फाइल थी एंटी करप्शन ब्यूरो में वो रद्द कर दी जाती, क्लीन चिट कर दी जाती है। यही कुछ होने वाला है इन विधायकों के साथ, इनके जितने भी काली करतूतें काली कमाइयां हैं वो सब माफ हो जाएंगे जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चले आएंगे। यही हकीकत है महाराष्ट्र की, और यही एक कारण है जिसमें उद्धव ठाकरे जी ने इन विधायकों का साथ नहीं दिया, और यही नाराजगी थी कि अपने करोड़ों रुपए के काले पैसे अंबार को बचाने के लिए इनका अचानक से हिंदुत्व जाग गया। फैसला आपको करना है कि यहाँ पर कौन सही है, कौन गलत है। 2.5 साल सरकार की राज्य में मंत्री रहते हुए सरकार की सारी फैसिलिटीज़ का आपने इस्तेमाल किया, अचानक से आपके अंदर का हिंदुत्व जो गया, आप उसी के बंदे के ऊपर आप आरोप लगाने गए जिसने आपको इस पद तक पहुंचाया, उसी शिवसेना पर आपने सवाल उठा दिया जिसको हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने अपने खून पसीने से बनाया और यहाँ तक ले आया। आप जश्न मना सकते हैं उस इंसान की निराशा पर, हताशा पर, लेकिन यकीन मानिए ये देश, ये जनता सब देख रही है, इसका खामियाजा आपको आने वाले चुनाव में देखने मिलेगा। आप लोगों ने कुछ पल के लिए अपने पैसे बचाने के लिए अपने ज़मीर को बेच दिया, ये महाराष्ट्र ने देखा। आप जैसे नेताओं की वजह से ही आज महाराष्ट्र कलंकित हुई है, छत्रपति शिवाजी महाराज की ये वीर भूमि कलंकित हुई है।
खैर आने वाला वक्त इनका हिसाब जरूर करेगा। लेकिन चेहरे जो देश से, जो महाराष्ट्र से गद्दारी करने वाले थे, उसे देश ने पहचान लिया, महाराष्ट्र ने पहचान लिया। किस मुंह से आप सड़कों पर निकलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जिसकी उंगली पकड़ के आप इतने बड़े पद तक आए, उसी को आज आप कटघरे में खड़ा कर दिए। जो उनका ना हुआ वो जनता का क्या होगा, बाकी आप खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।